नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद क्या एक बार फिर सोरेन सरकार। चलिए आज हम आपको बताएंगे दो राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। झारखंड में नई सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। झारखंड में नई सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। दावा पेश करने से पहले सोरेन ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद इस्तीफा भी दे दिया। नई सरकार के गठन तक हेमंत सोरेन कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से इंडी ब्लॉक की सरकार वहां बनने जा रही, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने मिलकर झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ा और बहुमत भी हासिल किया है। सरकार के गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है, उसको उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है, नई सरकार को बहुत बहुत बधाई जो बनने जा रही है उसके लिए, और जनता को भी बहुत बहुत बधाई, झारखंड के जनता को जिन्होंने जिताया। अभी तो ऐसी बातचीत हुई है, अब मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे आपको। नहीं, राजभवन जो हमारे शीर्ष नेता हैं, पार्टी के जो आला कमान ने ऑब्जर्वर बना के भेजे हैं, वो तमाम राजद सीपीआई और कांग्रेस के लोग जा रहे हैं और उनके अध्यक्ष जा रहे हैं। राज के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी को लेकर के। 81 सीटों में से इंडिया अलायंस की 56 सीटों पर जीत हुई है, ये मैं आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 34 प्रत्याशियों को जीत मिली। तो वहीं कांग्रेस ने 30 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और उनमें से 16, यानी जो आंकड़ा रहा है 50% से ज़्यादा का रहा है, यानी 16 सीटें उन्होंने जीती हैं। वहीं आरजेडी का अगर जिक्र करें तो 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे, उन्होंने भी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। चलिए अब वहीं उनके सहयोगी दल इंडी ब्लॉक के और सहयोगी दल CPI-ML 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए। झारखंड में NDA को 24 सीटों पर समेटना पड़ा, यानी 24 सीटों पर वो सिमट गई। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, झारखंड में नई सरकार का गठन होगा और खबरें ये आ रही हैं कि हेमंत सोरेन ही विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से।
और इसी खबर में विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, 28 तारीख को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, जो मंत्री पद की जो कैबिनेट की जो संरचना होगी वो किस तरीके से होगी? देखिए, ये अब तो बस मुख्यमंत्री बनने का औपचारिक ऐलान होगा, विधायक दल के नेता चुनने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा, और इससे पहले राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा हेमंत सोरेन ने कर दिया है, और उनको एक कह सकते हैं कि झारखंड में उनको उनके गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। तो निश्चित तौर पर अब 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसके बाद इसको लेकर तैयारियां दोनों तरफ से होगी। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपने साथ अपने पार्टी के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब 6 लोग होंगे जो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे, 4 कांग्रेस से हो सकते हैं और 1 आरजेडी से, ये संभावित है। कहा जा रहा है कि ऐसे कितने लोगों के साथ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा बदलाव की बात नहीं कही जा रही है, जो पूर्व में उनकी सरकार थी लगभग उसी प्रकार का मंत्रिमंडल होगा, थोड़ा बहुत चेंज की बात कही जा रही है, लेकिन इस बार उनके सामने जो बड़ी चुनौती होगी कि जिस प्रकार से उन पर जो आरोप लगे हैं जमीन घोटाला में, वो जेल चले गए थे हेमंत सोरेन, तो अब नई सरकार में उनकी पोजीशन क्या होगी और वो अपना बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि वो बेल पे हैं, और इस बीच जो है उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो कल्पना सोरेन है, उनकी बड़ी भूमिका इस चुनाव में देखी गई है, और कहा ये जा रहा है कि कल्पना सोरेन के मेहनत और उन्होंने जिस प्रकार से कैंपेन चलाया और कार्यक्रमों में गई, तो एक विकल्प के रूप में उनको देखा जा रहा है, और उनकी वजह से माना जा रहा है कि इस चुनाव में अधिक से अधिक महिलाएं जो हैं वोटिंग की, जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और इन लोगों की जेएमएम की बड़ी जीत हुई है, जेएमएम गठबंधन की बड़ी जीत हुई है, और जहां तक भाजपा का सवाल है उनको कुछ सीटों पर ही सिमटना पड़ा, तो अब सवाल है कि सरकार बन जाएगी और सरकार का जो स्वरूप होगा वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सरकार को चलाने में बाधा आएगा, ईडी और सीबीआई का जो मामला है उनके साथ वो उनको आगे जो है वो एक तरह से कथित जांच के सामने उनको पेश होना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, सिर्फ बेल पे है। अब इस बीच देखा जाएगा कि जो सरकार चलेगी उसमें हेमंत सोरेन क्या करने वाले हैं, बिल्कुल क्या नया करने वाले हैं, हालांकि उनके सामने कल्पना सोरेन जो है अब एक नेता के रूप में आ गई है, नेत्री के रूप में आ गई है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। जी, झारखंड में अगर इंडिया अलायंस का जिक्र करें तो कांग्रेस जो सहयोगी दल है 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 उन्होंने जीती है, यानी कि 50% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीत ली है। पिछली सरकार में आलमगीर आलम को बड़ा विभाग दिया था, तो इस बार क्या कांग्रेस डेप्यूटी सीएम या फिर कोई बड़ा मंत्रालय की मांग कर रही है, ऐसी कोई खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, 16 सीटों पर जीत हुई है तो निश्चित पर दावेदारी रहती है, और आलमगीर आलम जो कि उनके परिवार से भी चुनाव लड़ा गया, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी है, वो जीती है, तो आप देखिए अब ये अभी डिप्टी सीएम कौन बनेगा या बड़े मंत्रिमंडल का बात जो आ रही है उसमें अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन के पास होगा, जो विधायक दल की बैठक है अभी, इसीलिए ये जो समय है ये 26 तारीख का लिया जा रहा था, 26 तारीख को शपथ ग्रहण की बात कही जा रही, 26 से 27 हुआ और 27 से अब 28 की बात कही जा रही है, 28 नवम्बर को शपथ ग्रहण लेंगे, तो निश्चित तौर पर इस पर मंथन होगा कि जो नई सरकार बनेगी उसमें मुसीबतें कम से कम हो जी। और उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें इंडी गठबंधन के बड़े नेता जैसे कांग्रेस से राहुल गांधी, आरजेडी से तेजस्वी यादव और दीपंकर भट्टाचार्य भाकपा माले से इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजें कही जा रही है और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये बातें चल रही है कि हाँ अब कांग्रेस को भी थोड़ा झारखंड सरकार में और तरजीह मिलनी चाहिए और प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस बात की चर्चा है, लेकिन अभी इस पर किसी तरह की कोई
बात कह देना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो समय लिया गया है, राजीव देखना होगा कि अब इस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस की और उसके नेताओं की क्या भूमिका रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मोहन तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में भी महायुति में मंथन चल रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री के नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। फेस को लेकर महायुति में महामंथन चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे, दोनों में से किसको चुना जाएगा। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर भी लग चुके हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार गुट के समर्थकों ने भी पोस्टर चस्पा कर दिए, वो भी मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर अपना पोस्टर चिपका रहे हैं। तो अजित पवार के समर्थक भी मुख्यमंत्री पद को लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां देखा जाए तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 152 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है, लेकिन अगर पिछले सरकार की बात करें उस वक्त भी भाजपा के पास ज्यादा था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस बने डेप्यूटी सीएम। लेकिन इस बार क्या फॉर्मूला होगा, किस तरीके से इनके बीच बातचीत बनेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान ये देखने को मिला था कि एनसीपी अजित पवार गुट की एनसीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से भी किनारा किया, बटेंगे तो कटेंगे का सार्वजनिक विरोध किया। हालांकि उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे जब नवाब मलिक को एनसीपी ने टिकट दे दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ये अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एनसीपी से नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद भी एक साथ है महायुति में। तो एक बहुत मंथन जो है वो चल रहा है महाराष्ट्र में, और यही सब जानना चाहते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महामंथन चल रहा, देवेंद्र फडणवीस तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी जो है तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो एक महामंथन जो है वो चल रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि महायुति में से विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है। नाम दो ही सामने आ रहे हैं, या तो देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर एकनाथ शिंदे होंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन देवेंद्र फडणवीस अपना नामांकन करने जा रहे थे तो उनकी पत्नी की तरफ से एक बात कही गई थी कि इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद भी उन्होंने अपने बयान को दोहराया, जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन उन्होंने एनआई से बातचीत करने के दौरान ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि महायुति के विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है। ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनका फोटो है और लिखा हुआ है मुख्यमंत्री। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महायुति में से विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है।